अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFXMentor। मैं आपका टीचर इमरान। एक सवाल बहुत ज़ोर से मुझसे पूछा जाता है हमेशा, सर आप म्यूज़िक कहाँ से लेते हैं अपने वीडियोज़ के लिए, फ्री म्यूज़िक कहाँ से उठाया जाए। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। आज आप लोगों को बताऊँगा कि करना क्या है इस मसले का हल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Alright, welcome back. So, first of all, पहली बात, please, अगर आप YouTube पर अपनी videos upload करना चाह रहे हैं या even Facebook पर या Twitch पर अगर आप gamer हैं, देखें music का copyright issue बहुत बड़ा important मसला है। होता ही ये है कि हम कोई भी music उठा करके अपनी video में नहीं डाल सकते because कॉपीराइट के इश्यूज आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आपने उस पर कोई ऐसा म्यूज़िक डाल दिया जो कि कॉपीराइटेड म्यूज़िक है, मतलब किसी की अब प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी आर्टवर्क बनाते हो, आप कभी भी ये नहीं चाहोगे कि आपका आर्टवर्क आपसे पूछे बगैर कोई यूज़ कर ले, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से म्यूज़िक का भी एक बहुत बड़ा सिलसिला है। नाउ देर आर मैनी चैनल्स जो कि YouTube पर हैं, जैसे NCS बड़ा कॉमन सा है, यानी नो कॉपीराइट साउंड्स, वहाँ से आप म्यूज़िक उठा सकते हैं और वो लोग अपना नीचे एट्रीब्यूशन मांगते हैं, मतलब क्रेडिट्स जिसके जिसका म्यूज़िक है उसका नाम और उसका लिंक दिया जाता है, एंड देन यू कैन यूज़ इट। बट मैं कतई तौर पे उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। रीज़न वन, देखें वहाँ NCS में जितने भी कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, सो कॉल्ड कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक आते हैं, वो यूजली न्यू आर्टिस्ट के होते हैं, समटाइम्स न्यू आर्टिस्ट के होते हैं, समटाइम्स पुरानों के होते हैं। ना अब अगर न्यू आर्टिस्ट का है, अभी वो बिल्कुल फारग है, नया आर्टिस्ट है, उसने म्यूज़िक बनाया, उसको अपने आप को पॉपुलर करना है, तो उसने फ्री में बांट दिया। ना अगर कुछ अर्से के बाद वो आर्टिस्ट साइन कर लेता है अपने आप को किसी बड़ी रिकॉर्ड कंपनी से, ठीक है, अब उस आर्टिस्ट के जितना म्यूज़िक होगा उसके राइट्स उस रिकॉर्ड कंपनी के होंगे। सो किसी ज़माने में उस आर्टिस्ट का म्यूज़िक तो फ्री था और आपने अपने वीडियो में यूज़ कर लिया, लेकिन अब उस आर्टिस्ट का म्यूज़िक फ्री नहीं है, वो राइट्स आ गए हैं उस रिकॉर्ड कंपनी के, तो भैया आपके चैनल पे एक कॉपीराइट क्लेम का स्ट्राइक आ सकता है। ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा, बट आ सकता है। सो व्हाई टेक चांस, चांस लेना ही क्यों यार। अच्छा, मेरी जितनी वीडियोस हैं उसमें आपने देखा होगा इतना ज़्यादा म्यूज़िक होता ही नहीं है, एक इंट्रो का म्यूज़िक है, कभी कभार मैं बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चला लेता हूँ। मैं हमेशा सेफ प्ले करता हूँ, सही है, बिकॉज दूसरी बात अगर मुझे मैं कोई व्लॉगिंग कर रहा होता या इस तरह की चीज़ें कर रहा होता जिसमें म्यूज़िक की ज़रूरत होती ज़्यादा, तो फिर मैं शायद कुछ और तरीके से म्यूज़िक बाय कर लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेबसाइट है एपिडेमिक साउंड, काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, लाइक इरफान जुने जो शहजाद शो, एंड देर आर मैनी ब्लॉगर्स जो कि एपिडेमिक साउंड यूज़ कर रहे होते हैं, बट वो पेड सर्विस है। अगर आप समझते हैं कि जी आपका कंटेंट इतना जानदार है और म्यूज़िक की वजह से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और आप अपने चैनल से ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, यस, फिर पैसा खर्च कर लो, फ्री नहीं मिलेगा। नाउ फ्री रिसोर्सेज से जितना म्यूज़िक अवेलेबल है ऑब्वियसली वो उस क्वालिटी का नहीं होगा जो पेड म्यूज़िक का होता है। मेरा चैनल चलता है यार, मेरे चैनल पे अगर म्यूज़िक अच्छा ना भी हो तो चलेगा, लेकिन हाँ ये बात मैं बता दूँ आपको, फ्री म्यूज़िक में से भी अगर ढूंढो, बहुत सुकून से बैठ कर ढूँढो, सुकून से बैठ कर म्यूज़िक सुनो, तो आप बहुत अच्छा म्यूज़िक निकाल सकते हो, कहीं ना कहीं से मिल जाती है अच्छी चीज़, ठीक है। मैं जो यूज़ करता हूँ वो YouTube की अपनी जो लाइब्रेरी है मैं वो यूज़ करता हूँ। कई मर्तबा मुझसे लोग पूछते हैं सर आपने म्यूज़िक कहाँ से लिया, मेरी तमाम तर म्यूज़िक, इवन मेरे जो इंट्रो वाली म्यूज़िक है, पहली दूसरी तीसरी, आजकल तीसरी चल रही है, सबसे पहली अगर आप मेरी पहली वीडियो में जाके देखें दूसरी थी, कोई और थी म्यूज़िक, एंड दूसरी वाली जो है वो भी यहीं से, तीसरी वाली जो है वो भी यहीं से। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आप ये YouTube की लाइब्रेरी कहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। नाउ YouTube की लाइब्रेरी में भी कुछ म्यूज़िक्स ऐसे हैं जिनमें आपको एट्रीब्यूट देना पड़ता है। एट्रीब्यूशन ये होती है कि आपको उस आर्टिस्ट का नाम अपनी वीडियो के नीचे मैंशन करना होगा, बट इतनी ज़्यादा नहीं है।
देर आर मैनी म्यूजिक्स जो कि बिल्कुल एट्रीब्यूशन के फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, आप फ्रीली उसको बगैर क्रेडिट्स दिए अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो और आपको कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। सो आइए मैं आपको बताता हूँ कि YouTube लाइब्रेरी में कहाँ से जाना है और किस तरह से मिलेगी। लेट सपोज आप हो अपने चैनल पे, ठीक है, मैं अपने GFXMentor पे चला जाता हूँ, ठीक है। सो जैसे आप अपने चैनल पे आते हो या इवन YouTube पे जाते हो, ठीक है, एंड उसमें आप ये कर सकते हो कि जैसे आपका यहाँ चैनल का लोगो आ रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे, ठीक है, एंड इस पे आपने क्लिक करना है और आपने जाना है यहाँ से क्रिएटर स्टूडियो। अगर आपका YouTube चैनल नहीं है तब भी आप अपनी एक YouTube की आईडी तो होगी और आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट एक चैनल बन ही जाता है, सही है। तो वहाँ जाएँ, यहाँ पर आपका लोगो या आपका जो भी एवेटार है या जो आइकन है आपका वो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप आ जाएंगे क्रिएटर स्टूडियो पे। एंड देन जैसे आप क्रिएटर स्टूडियो पर आएंगे तो आपको बहुत सारी अपने चैनल की एनालिटिक्स और डिटेल्स, तो मैं अपने ज़्यादातर कमेंट्स वगैरह यहीं से चेक कर रहा होता हूँ। एंड बहरहाल यहाँ लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट का, इस पर आप क्लिक कर दें और ये पहली चीज़ आ गई आपके पास, ऑडियो लाइब्रेरी। और ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें इतनी ज़्यादा म्यूज़िक अवेलेबल है, मैंने अपनी तमाम तर म्यूज़िक यहीं से हमेशा डाउनलोड की। दूसरी बात, यहाँ पर हर रोज़ या हर हफ्ते कुछ नए म्यूज़िक ऐड होती रहती है, आप यहीं से प्रीव्यू कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर आप प्ले का बटन प्रेस करो, आपको ये म्यूज़िक प्ले करके बता देगा, एंड इफ़ यू लाइक इट जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम हियर, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, दूसरी बात, किसी ख़ास मूड की या किसी ख़ास जॉनर की आपको म्यूज़िक चाहिए, सो ये जो वर्ड है जेनर, जिसको हम, मैं पहले मुझे नहीं पता था बहुत, जब छोटा था तो मैं जेनर पढ़ता था, ये बेसिकली जॉनर पढ़ते हैं, सही है, एंड यहाँ डिफरेंट जॉनर्स हैं म्यूज़िक के, ऑल्टरनेटिव पंक एंड एम्बियंट। सो एम्बियंट म्यूज़िक यूजली ज़्यादातर ये वो म्यूज़िक होते हैं जो कि मैं बैकग्राउंड्स में यूज़ कर रहा होता हूँ, जैसे अभी एक आज GFXMentor एपिसोड 2 जो था उसके बैकग्राउंड में जो एक म्यूज़िक था वो एम्बियंट म्यूज़िक से ही लिया था। अब मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं याद है, मुझसे कई मरतबा लोग पूछते हैं कि फ़ला म्यूज़िक का नाम क्या है, भाई मुझे, मैं नाम याद नहीं रखता, मैं सिंपली यहाँ से प्ले करता हूँ, इफ़ आई लाइक इट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक हो गया। सो नाउ जब आप डाउनलोड कर लेंगे एंड देन यू कैन यूज़ इट। सो ये यहाँ पे डिफरेंट जॉनर्स हैं, यहाँ पे आपके पास मूड्स हैं, सो अगर आप एम्बियंट म्यूज़िक लेना चाह रहे हो और बहुत काम सा म्यूज़िक लेना चाह रहे हो, सो म्यूज़िक पे आ जाओ काम पे एंड देन आपके पास ये आ रहे हैं। प्लस यहाँ पर आपको इंडिकेट कर देगा कि ये कोई नया म्यूज़िक आए तो सुन लो एक बार, अगर अच्छा लगे तो यूज़ कर लो। एनीवेज, सो यस, इस तरह के जितने भी म्यूज़िक्स होते हैं ये बैकग्राउंड में बड़े अच्छे लगते हैं। बहरहाल एम्बियंट के अलावा काम, अगर आप एम्बियंट को हटा दें एंड लेट्स गो फॉर हिप हॉप, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं चला जाता हूँ थोड़ा एंग्री में, एंड यस यहाँ पे फिर कुछ और डिफरेंट टाइप की जॉनर देंगे ना। एक चीज़ अभी यहाँ देखिए, ये देखें ये वाला जो आइकन अगर आ रहा है तो इसमें क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन है, मतलब अगर अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें यू आर फ्री टू यूज़ दिस सॉन्ग एंड मोनेटाइज योर वीडियो, यानी आप यूज़ कर सकते हो और आपकी वीडियो पे मोनेटाइजेशन भी होगी, बट यू मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये डेटा आपने कॉपी और आप पेस्ट करना है अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप ये नहीं करते तो फिर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, सो दैट्स नॉट एन इशू, इफ़ यू लाइक इट यस यू कैन यूज़ इट। सो अगर आप प्ले करके इसको सुन लें, सो अब ऑब्वियसली मैं सारे म्यूजिक तो नहीं सुनाऊंगा, एंड यहाँ पर आपके पास इस तरह से बहुत सारे जॉनर्स हैं, बहुत सारे मूड्स हैं, एंड स्पेशली इफ़ यू वांट सम पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, सो मैं चाह रहा हूँ कि हिप हॉप हो और एंग्री के बजाय लेट्स गो फॉर ब्राइट, एंड साथ ही साथ मैं इंस्ट्रूमेंट बता देता हूँ कि जी पियानो, एंड एक म्यूज़िक निकल आया। सो ये अच्छा है तरीक़ेकार, यहाँ से सर्च आप कर सकते हो,
एंड एक अजीब सी बात, रिसेंटली यूट्यूब ने चेंज की है. पहले इन म्यूजिक्स को हम अपनी फेवरेट्स में ऐड कर सकते थे, अब इन्होंने फेवरेट्स का ऑप्शन हटा दिया एंड दैट्स क्वाइट बैड. बहुत बुरा लगता है कि पहले यहाँ पे स्टार एक आता था, हम यहाँ डाल देते थे स्टार और यहाँ पर एक टैब आ रहा होता था फेवरेट्स का, मैं डायरेक्टली अपने फेवरेट्स जो है वहाँ से एक्सेस कर लेता था. एंड देन रिसेंटली इन्होंने ये चीज़ हटा दी है, बट दैट्स ओके यार, कोई मसला नहीं. मैं यूजुअली जो मुझे म्यूज़िक कभी कभार मैं फारिग बैठा होता हूँ, मैं यहाँ से म्यूज़िक सुनता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, अपनी एक लाइब्रेरी बनाते रहता हूँ. मैं अगर आपको दिखाऊँ अपने कंप्यूटर पर, तो मैंने बाकायदा एक फोल्डर बनाया हुआ है एंड ये GFXM वर्ड्स, और इसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है म्यूजिक्स का. सीधे ये सारे मैं अपने म्यूजिक्स यहीं से फिर डायरेक्टली डाउनलोड कर, जो यूज़ करने हैं मुझे, मैं यहाँ से डाउनलोड अपने प्रीमियर में इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड देन यूज़ कर लेता हूँ. सो आई थिंक इनमें से कोई एक था जो मैंने यूज़ किया था. सो यस, आई बिलीव आप लोगों को ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. प्लीज़ इस पर आई थिंक आप लोग सब जो यूट्यूब पे कमेंट करते हैं, तो आप लोग सब की एक जीमेल की आईडी तो बनी हुई है एंड जब आईडी बनी हुई तो यार ये यूट्यूब पर आपको ये दिखता ही होगा. क्रिएटर स्टूडियो, क्रिएटर स्टूडियो में आए, क्रिएट के अंदर आए, यहाँ से म्यूज़िक डाउनलोड करें. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस यूट्यूब लाइब्रेरी, मुझे रिसेंटली एक और वेबसाइट मिली और वो है freepd.com. freepd यानी पब्लिक डोमेन, ठीक है. नाउ इसमें अगर आप आके देखें तो कुछ म्यूज़िक है. नाउ अभी इसमें इतना ह्यूज कलेक्शन नहीं है, हो सकता है बहुत सारे बोरिंग से हों, कुछ बहुत अच्छे भी लगे मुझे. एंड इस साइट पे एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर CC0 लाइसेंस है, और CC0 मतलब क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस ज़ीरो, यानी आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं. देखें यहाँ पर अगर आप $0 पे करते हैं, एंजॉय द साइट, डाउनलोड एनी MP3, यूज़ देम हाउ यू वांट, जिस तरह से आपको यूज़ करना है कर लें. अगर आप $10 देते हैं तो आप डाउनलोड 800 प्लस MP3 एट वंस, आपकी 800 MP3 एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं. एंड वही क्रिएटिव कॉमन ज़ीरो लाइसेंस है. एंड यहाँ पर अगर आप आए $25 पे, आपको वेव फॉर्मेट में भी देंगे. वेव फॉर्मेट बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ऑडियो का अनकंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है, जो कि बहुत हाई क्वालिटी होता है. आई थिंक यार ये भी सही है, फ्री वाला डाउनलोड करो. या नीचे एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पहली लाइन देख लें, कैन आई यूज़ दिस म्यूज़िक ऑन यूट्यूब? यस, कोई मसला नहीं है, ठीक है. यहाँ नीचे मस्ट आई क्रेडिट द म्यूजिशियन इन माई फिल्म? नो, बट वी डू लाइक इट. सो आपको क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप क्रेडिट दे दो तो इनको अच्छा लगेगा. ऑब्वियसली यार कोई फ्री में आपको चीज़ दे रहा है, अगर चाहो तो, नहीं देना चाहो ना तो आपकी मर्जी है. सो यस, दिस इज़ समथिंग अमेजिंग. और यहाँ पर डिफरेंट जॉनर्स ये हैं, लाइक अपबीट, पॉजिटिव, मोटिवेशनल, एपिक, ड्रामेटिक. सो एपिक ड्रामेटिक में चलते हैं, ठीक है. एंड लेट्स सी किस टाइप के म्यूजिक हैं ये. यहाँ पर आपके पास बहुत छोटा छोटा सा कलेक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट है, फ्री है. Not bad actually, इतना बुरा नहीं है. So yes, freepd.com, right? And इसमें फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक है, रोमांटिक है, कॉमेडी है. पेज टू स्क्रैप्स, आई डोंट नो इसमें क्या है. These pieces are not part of the main catalog. They have been included here for archival purpose. Each of these pieces is licensed Creative Commons Zero. Wow. So, yes, कुछ और भी म्यूजिक्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं. प्रीव्यू नहीं है, बट सारे क्रिएटिव कॉमन ज़ीरो पर हैं. एंड इफ़ यू वॉन्ट यू कैन यूज़ दैम, ठीक है. एनी वेज, सो फ्री पी डी एंड यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी. सो यस, आई बिलीव आप लोगों का ये मसला जो एक अरसे से मुझसे कई सारे लोग पूछते हैं कि सर म्यूज़िक कहाँ से डाउनलोड करें. एंड देन स्पेशली जब से प्रीमियर शुरू किया था, प्रीमियर के वक्त में कई मरतबा स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा सर म्यूज़िक कहाँ से,
here you go. आप लोगों को म्यूजिक के भी रिसोर्सेज बता दी. आई होप आप लोगों को ये म्यूजिक्स काम आएंगे और ये वीडियो भी पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक, प्लीज़ डू दिस एंड सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो प्लीज़. और अपने दोस्तों को तुम बता रहे हो आजकल कि नहीं कि मेरे एक टीचर है बहुत अच्छा और बहुत अच्छी फ्री में ट्रेनिंग्स दे रहा है. नहीं बताया ना, प्लीज़ बताओ जाके अपने फ्रेंड्स को, कज़न्स को, स्पेशली उन लेडीज़ को, ख़वातीन को जो बेचारियाँ घर से नहीं निकल सकती पढ़ने के लिए. एंड बहुत सारे वो लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते. यार मेरे चैनल के बारे में बताओ लोगों को. थैंक यू.